Hello students, today's topic is process of delegation of authority and importance of delegation of authority. देखिए अब तक आपने मीनिंग जाना delegation of authority का, इसके थ्री एलिमेंट स्टडी करे हैं. अब उन तीनों एलिमेंट्स को कनेक्ट कैसे करना है वो हम सब पढ़ेंगे. तो जब प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तीन स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. सबसे पहला, ये आपको क्राम नहीं करना, आप खुद ही रिलेट कर सकते हैं कि आप पहले किसी को जिम्मेदारी देते हो, उसके बाद उसको पावर देते हो और उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी आंसरेबिलिटी फिक्स कर देते हो. तो सबसे पहला स्टेप आता है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए जब हम किसी भी पर्सन के लिए बात करें, किसी भी मैनेजर के लिए हम बात करते हैं, नॉट इवन ए सिंगल मैनेजर इज कैपेबल इनफ कि वो सारा काम खुद कर लेगा. वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ काम जो है वो असाइन करता है. अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पहली चीज, मेन जॉब वो अपने पास रखता है और जो आपके डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं या जो स्मॉल टास्क होते हैं या स्मॉल जॉब्स होती हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर देता है. दूसरी चीज़ उसको ध्यान रखनी है, उसके सबॉर्डिनेट में वो स्किल्स, वो कैपेबिलिटीज हैं या नहीं है, कि जिसके बिहाफ पे वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो सबसे पहली चीज़ है, आप असाइन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ योर सबॉर्डिनेट. नेक्स्ट आता है ग्रांटिंग अथॉरिटी. कोई भी काम आपने जिसको भी ऑब्लिगेशन दी है फुलफिल करने के लिए, वो तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक उस पर्सन के पास उस काम को करने के लिए पावर ना हो. तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है जिस भी पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट को, उस पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट को आप वो पावर भी देंगे जिसके बिहाफ पे वो काम कर सके. सपोज अगर हमारे पास आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग मैनेजर से हम ये उम्मीद करके चले कि वो क्वालिटी एड्स बनाएंगे, बट हम उनको डिसीजन लेने की पावर ही ना दें कि वो किस तरीके के आपके एड्स बना सकते हैं और वो पावर आपकी सीईओ के पास ही रहे, तो फिर आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो ही नहीं पाएगी. तो आपके पास जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उसको उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज भी असाइन करनी होती है. तो सबसे पहला कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मिली है तो उसके पैरेलली आपको अथॉरिटी भी होनी चाहिए. ना तो ज़्यादा अथॉरिटी, उस केस में मिसयूज होगा, और ना ही कम अथॉरिटी, काम ही पूरा नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट स्टेप है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, कि आप उस टाइम पे ध्यान रखेंगे कि आपने जिसको भी, जिस भी पर्सन को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आप फिक्स कर रहे हैं. और ये अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ रहेगी, टुवार्ड्स द डेलीगेटर, उस इंसान की तरफ जिसने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दी है, जिसने भी पावर दी है उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ आंसरेबिलिटी रहेगी उस इंसान की जिसको वो काम दिया गया है. अगर मैंने आपको कोई काम दिया है और उसके लिए मनी की फॉर्म में पावर चाहिए थी, तो आपकी जवाबदेही मेरी तरफ होगी, ना कि किसी और पर्टिकुलर पर्सन की तरफ. तो आपके पास, आपने देखा, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे उसके लिए स्किल्स का ध्यान रखना है, कैपेबिलिटीज का ध्यान रखना है, और जो डेली रूटीन कोर्स होते हैं वो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उनको अथॉरिटी देते हैं, और जिस पर्सन ने वो अथॉरिटी दी है वो पर्सन उस पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है जिसको वो जॉब दी जा चुकी है. तो ये थे आपके तीन स्टेप्स आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की. नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि आपके पास कितनी, क्या इम्पोर्टेंस है आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. हम सभी जानते हैं कि एक सिंगल पर्सन कैपेबल इनफ नहीं है, आपके पास वो सबॉर्डिनेट्स को काम आपके पास देगा ही देगा, और आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के चलते है भी, कि आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बने हैं, अब आपके पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो मस्ट है. तो देखिए क्या इम्पोर्टेंस है. सबसे पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट. एक सिंगल पर्सन के ऊपर अगर आप सारा काम लाद देंगे तो वो क्या करेगा, इम्बैलेंस डिसीजन लेगा, क्वालिटी काम नहीं कर पाएगा. इफेक्टिव मैनेजमेंट कहने का ही मतलब क्या है, बैलेंस्ड मैनेजमेंट, कि मेन काम तो है वो आपके पास, आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के पास रह गए, हाउस होल्ड नहीं, आपके जो डेली रूटीन कोर्स थे या आपके छोटे टास्क हैं या आपके पास आपका डेली रूटीन का कुछ भी है, जैसे सपोज कीजिए मार्केटिंग में रिसर्च करनी है, उसको एनालिसिस करना है, ये सारा काम मार्केटिंग मैनेजर के पास रहे, बट डेटा कलेक्शन का काम सबॉर्डिनेट से करा लिया,
तो वो चीज क्या होगी, बैलेंस हो गया, सारा बर्डन एक इंसान के ऊपर भी नहीं पड़ा और दो लोगों ने मिलके किया तो वो चीजें बैलेंस हुई हैं और आपके इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाएगा सभी रिसोर्सेज का। नेक्स्ट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगर मैं ही आप लोगों को कोई जॉब दूं और आप वो काम फुलफिल कर दें और क्वालिटी काम करें तो मैं आपकी तारीफ करूंगी, तो आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ऐसे ही आपके पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है जब हम उनको डिसीजन लेने की पावर देते हैं, लिबर्टी देते हैं, तो अल्टीमेटली वो ग्रूम करते हैं फ्यूचर के लिए, उनको आपके पास भविष्य के लिए वो एक तरीके से अपने अंदर एक टैलेंट तैयार कर रही हैं। धीरे 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 वो चीज़ों को करना जानते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए वो फ्यूचर के लिए ही अल्टीमेटली प्रिपेयर होते हैं। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है। थर्ड, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जब आप कोई क्वालिटी काम करते हैं, आप अच्छी स्टडी करते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं आपके, या मैंने आपको कोई जॉब दिया करने के लिए या आपको असाइनमेंट दिया था करने के लिए मेरे पार्ट पे और आपने वो पूरा कर दिया मेरे लिए और मैं आपकी तारीफ करती हूँ, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलती है। अब मैम का काम कर सकते हैं ना, तो हम आगे जाके और बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आपने किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को काम दिया, उसको पावर दी और अब उसको अप्रिशिएशन मिल रहा है क्योंकि उसने काम अच्छा किया, तो उसको अंदर से मोटिवेशन फील होएगा कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ, अब मैं आगे और भी चीज़ें बढ़ा सकता हूँ, अब मेरे अंदर की डिसीजन लेने की भी पावर आ सकती है। मैंने आज एक छोटा सा डिसीजन लिया है या आज एक छोटी सी अचीवमेंट की है तो नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूँगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के चलते। जैसे आप लोगों की इंस्पिरेशन बढ़ती है, आपके पेरेंट्स ने आपको कोई जॉब दी, 1000 रुपीज दिए आपको और आपने उसमें से काम भी अच्छा किया और पैसे भी बचा लिए, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या लगेगा, नेक्स्ट टाइम मुझे अगर और कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं और अच्छे से बढ़ाने की और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा और सेविंग्स भी बढ़ाऊँगा और कम पैसों में ये काम और अच्छा करूँगा। तो मोटिवेशन लेवल जैसे आपका बढ़ता है, सेम विद योर एम्प्लॉयज होता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। देखिए, जैसे स्कूल के पार्ट पे होता है, जैसे स्कूल के बच्चे अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, तो उस स्कूल की गुडविल बढ़ती है। सेम वे विद द कंपनी, जिस कंपनी के एम्प्लॉयज बेहतरीन हैं, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड दे आर डेवलप्ड, तो अल्टीमेटली उस कंपनी की ग्रोथ भी होती है, हम उस कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, आपके पास मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, नया एक बिजनेस लाइन और ऐड कर सकते हैं। जैसे टाटा का ऑटोमोबाइल्स भी बनता है, तो आपके पास आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है टाटा की, तो आपके पास फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कब होगी कंपनी की, जब अल्टीमेटली उस कंपनी के एम्प्लॉयज बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी। फिफ्थ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ये सभी जानते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर के चलते बेस बनता है आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, और सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है तो उसका मतलब ही यही है कि वहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा ही होगा। एक सीनियर पर्सन अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उसको पावर देगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करेगा ही करेगा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो इस मैनेजमेंट हायरार्की का बेस बनता ही है, कि जहाँ सीनियर सबॉर्डिनेट की बात आ गई वहाँ तो जॉब देगा ही देगा आपका एक सीनियर पर्सन आपके सबॉर्डिनेट को, क्योंकि सारा काम आपका सीनियर नहीं करने वाला है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपका बेस बनता है आपके मैनेजमेंट हायरार्की का। एंड लास्ट पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन। जब आपने तीनों पॉइंट्स को तालमेल में सेट कर दिया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, तो एक चेन आपकी बन गई है अच्छे से और तीनों चीजें आपकी कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी और अल्टीमेटली आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे सारी चीजों को। अगर आपने इन तीनों चीजों को अच्छे से रिलेट कर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास, आपकी अथॉरिटी और आपके पास आपकी अकाउंटेबिलिटी को, तो वहाँ पे ना तो कोई रिपीटेशन ऑफ वर्क होगा और ना ही आपके पास रिसोर्सेज को कोई वेस्ट करेगा, तो सभी फंक्शंस आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट हो पाएंगे। तो ये था हमारे पास आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।